अली भाई, क्या आप इसको एक अच्छा अमल समझते हैं कि आप दूसरे की औरतों को पकड़ के उसको स्लेव बनाएं, उसके साथ सेक्स करें और उसको बेचें? देखें, आपने यहाँ अल्फाजों का फर्क कर दिया। ठीक क्या है, फर्क कर पकड़े, दिया? आप कह रहे हैं पकड़े, पकड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं था वो। असल में क्या हुआ, जंग हुआ करती थी, अब उसमें आदमी मर जाते थे, औरतें रह जाती थी। अब भाई उनका खर्चा पानी, हुक्का पानी कैसे चलेगा, नहीं तो नहीं इसलिए फिर उन्हें हुक्म दे तो दिया जाता, चलो भाई तुम रख लो, उनके खर्चे चलाओ, इनकी जो पाकिस्तान की परेशानी। फौज आज इंडिया पे हमला करे, सारे सबको मारे और आपके घरों से आपकी औरतें उठा के ले जाए, बिल्कुल सही होगा ये? सही है ना? भाई जब मैं मर गया तो फिर मेरा मरता और जागता बराबर ही है ना। ये मैं सही है मर गया तो सवाल? फिर मैं क्या सवाल कर ये सकता तो हूँ, जब आपके मैं मर गया? सवाल ये आपके कि सही होगा औरतों ना के आपकी साथ? नजर में? नहीं यार सवाल नहीं यार, एक बात बताओ, एक बात बताओ, तो आप मर गए, आपके मरने के बाद आपकी औलाद क्या कर रही है? कुछ भी कर रही है तो आप पे क्या फर्क है? अच्छा, आप तो मरे हुए हो ना। मतलब 1 मिनट, 1 मिनट अली भाई, मतलब नहीं, आप आप ये तो कह मरे रहे हुए हो हो, ना। 1 मिनट, मतलब आप ये कह रहे हो कि आपके मरने के बाद अगर कोई आपकी बच्ची का, आई एम सॉरी यार, मैं क्या करूं, मेरे को एग्जाम्पल नहीं देना रहता है लेकिन ऐसे लोगों को समझाने के लिए मुझे देना पड़ता है। आप ये कह रहे हो कि आप मर जाओगे, चलो मैं रेप तक नहीं जाऊंगा, हालांकि ये भी एक रेप ही है लेकिन मैं रेप वर्ड यूज नहीं करूंगा, नहीं मुझे ये यार, वो बताओ रेप कि है ही आप, नहीं। एक मिनट अली जी भाई, जी रुक जाओ रुक जाओ, रेप कैसे कहते हैं? रेप उसे एक कहते हैं मिनट जिसमें एक लड़की की रजामंदी मिनट ना हो, उसके साथ आप एक जबरदस्ती कर मिनट रहे हो। आज एक वो मिनट लड़की खुद एक राजी, एक ब्रेक लग मिनट गई थी, एक लग गई मिनट ब्रेक, मैं बोले। रजामंदी पे भी आऊंगा, 1 मिनट मैं रजामंदी पे भी आऊंगा, टेंशन ना ले। मुझे ये बताइए कि आपको, जैसे कि अली भाई ने एक एग्जांपल दिया, इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाए और पाकिस्तान या पाकिस्तान की आर्मी, चलो आप पाकिस्तान में, चूंकि आप एक मुसलमान है समझो, दो, चलो इंडिया पाकिस्तान का छोड़ दो, दो कंट्री है, एक कंट्री में आप है, दूसरे कंट्री में जो दूसरे हमारे लोग है वो आपकी कंट्री पे हमला करते हैं, आपको मार देते हैं, आपकी बहन बेटी और माँ, क्योंकि आपको मार दिया है, आप कोई संभालने वाला नहीं है, तो आपकी बहन वो एक आर्मी के पास, वो अपने पास रख लेता है, आपकी बेटी वो एक आर्मी रख लेता है, और आपकी बीवी वो एक आर्मी रख लेता है, और चौथा वाला आपकी माँ को रख लेता है। अब वो उनके जी साथ अच्छा खिला पिला के उनके साथ सेक्स भी कर रहे हैं, जी देखो, फिर उसके बाद वो बुराई है आदमी, अच्छा इसमें कोई बुराई नहीं है? इसमें। मैं तो मर गया ना, मैं कोई कब्र से उठ के थोड़ी आएगा बदला नहीं लेने के, नहीं तलवार उठाते हुए आपके क्या आपके चीर दूंगा, मरने फाड़ दूंगा, एक चीर दूंगा, क्या फाड़ क्या दूंगा। अरे क्या मैं खबर में से उठ के थोड़ी आऊंगा, कहूंगा मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, मैं चीर दूंगा, फाड़ अच्छा दूंगा एक मिनट जिसने मेरी एक मतलब मिनट इसे। अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ, आपके लिए आप मर चुके हैं, आपको पता ही नहीं है, लेकिन जो आपकी बीवी बेटी बहन और माँ के साथ हो रहा है वो अच्छा है या बुरा है? देखें, जबरदस्ती तो कोई मर्द कितना भी बड़ा माइकल ला लो, जबरदस्ती तो किसी के साथ, लड़की के साथ कर नहीं सकता एक सिंगल आदमी। मेरी बात ठीक आप है, नहीं सुने, मेरा जवाब ठीक नहीं दिया है, आपने, मैंने मैं आपसे आपकी ये बात की जवाब दे पूछा, रहा हूं। नहीं आप वो नहीं जवाब दे रहे, मुझे ये बताइए कि कोई, जो चार लोग आपकी चार घर की औरतों को बांट के रखे, वो आपके घर की बेटी को अच्छे से खिला पिला कर उसके साथ सेक्स कर रहे हैं और उसके बाद जी कुछ दिनों के बाद उसको जाके मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है, ये बताओ कि आपकी बहन बेटी माँ के साथ ये जो हो रहा है ये अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है? देखें, मेरा मानना ये, मैं अच्छे बुरे का तो या मैं आपको उसका कोई मतलब वो बता ही नहीं सकता, लेकिन मैं जो पीछे की नहीं बता सोच रहा हूँ वो सकते? ये सोच न मैं एक सेकंड रुकें तो, सब्र तो करें, सब्र करें, हाँ थोड़ा रुकें जरा हाँ भाई, उसके पास इतना नहीं होगा खिलाने पिलाने के लायक, तो इसलिए वो दूसरे को दे देगा। भाई तू रख इसका ख्याल, तो उसमें बुराई क्या है? तो मतलब यार याद आपकी, रखना कि एक आप मिनट अपनी मिनट माँ अली बहन भाई, के बारे में बात कर रहे हो, ये एक नहीं होगा, दूसरे को दे देगा, उसके पास नहीं एक होगा, मिनट ठीक है मिनट आप अली अपनी भाई, अली भाई, अली भाई थोड़ा रुक जाओ यार, प्लीज अली शाह भाई थोड़ा रुक जाओ। अली भाई आप ये कह रहे हैं कि एक बंदा जो आपकी माँ बहन बेटी को पकड़ा है वो उसके साथ सेक्स कर रहा है और उसके पास अभी आपकी बहन को पालने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, तो वो मार्केट में जाके उसको बेच दे रहा है ताकि कोई पैसा हो जिसके पास संभाल सके, वो उसको खरीद के अपने पास रखे, आप इसको अपनी माँ बहन बेटी के लिए सही समझते हैं, राइट? राइट। लख दी लानत तेरे मुंह पे। वाकई यार वाकई, अफसोस दर अफसोस दर अफसोस। कोई सवाल? अभी यही बात जाके अपनी माँ बहन बेटी के सामने कहना कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो ये तुम्हारे साथ सही होगा, यार जो नसीब में लिखा होगा और ना वो होगा, तुम्हारे और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। बेगैरत लक मानते हो इंसान या नहीं? अभी अल्लाह पे डाल दिया, तो तुम्हारे अल्लाह से बड़ा क्या बोलूं मैं, मतलब अल्लाह नसीब में लिखा है इस वजह से हो रहा है। नहीं, नसीब में तो जो अल्लाह अभी ने लिख आपने दिया कहा वो तो हो ना रहा है, लेकिन कुछ कुछ मेरी बात तो सुन ले यार, एकदम यार, तुम मुखतर अभी ना है ना बना करें। जाओ, सिर्फ इतना काम करो अली साहब, आप जाओ और अपनी माँ बहन को ये स्ट्रीम का ये जो इतना हिस्सा है ना, लास्ट का 10 मिनट, ये अपनी माँ बहन बेटी को सुनाना, जूते नहीं मारे तो मेरे को आके बोलना।
मैं भी अपने चैनल पे चढ़ाऊंगा साहिल भाई ये वाला हिस्सा आपका। हाँ चढ़ा देना यार, जितने लोगों को चढ़ाना है, ये जो हिस्सा है जो मैंने इनसे सवाल किया और इन्होंने कहा इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ठीक होगा उनकी माँ बहन के साथ, ये हर कोई अपने अपने चैनल पे लगाइए। और ये ज़हनियत कौन बनाता है? सिर्फ इस्लाम बनाता है, सिर्फ इस्लाम, सिर्फ रसूलुल्लाह को डिफेंड करने के लिए ये ज़हनियत। अच्छा, अभी तक जितने भी मोमिन आए थे जब उनके माँ बहन के ऊपर बात आई थी, लेकिन उनके अंदर इतनी गैरत तो थी कि कम से कम हमको गाली वाली देके स्ट्रीम छोड़ के भाग जाते वो लोग। अली शाह भाई, अभी तक जितने मोमिन आते थे जब हम उनको ऐसा गिरेबान से पकड़ते हैं, तो एटलीस्ट अपने घर वालों के लिए वो हमको गाली वाली देके स्ट्रीम छोड़ के भाग जाते। ही डाल दिया ना अपनी बहन माँ बेटी को, इन्होंने तो रसूल के नीचे ही डाल दिया, कोई मसला ही नहीं है। और ये पढ़ा लिखा बंदा था, मैकेनिकल में पॉलिटेक्निक किया है, ऐसी सोच, अच्छा सा केमिकल ढूंढ पी और मर जा। इसीलिए मैंने पहले कहा था कोई अच्छी सी गाली सुन के मेरी तरफ से रख लो। क्या यार गाइस, लोगो सोचो यार, कितना कितना आदमी को कैसा बना देता है इस्लाम यार। मोमिनाओ अगर तुम सुन रही हो, सोचो तुम्हारा भाई तुम्हारा शौहर भी आके ऐसी ही कहेगा तुम्हारे बारे में, सिर्फ रसूल को बचाने के लिए, सिर्फ रसूलुल्लाह की गलतियों को बचाने के लिए वो तुमको सुला देगा किसी के साथ और उसको सही कहेगा। एक फौजी को वॉर क्राइम में सजा मिल रही है कि तूने किसी की माँ बहन उठाई, बेटियां उठाई जंग के दौरान, चल तुझे जेल में डाले हम, वो कहेगा नहीं, जिसकी माँ बहन बेटियां थी वो तो मर गया ना, आपको क्या है? ऐसा नहीं होता भाई। ये कैसा जवाब दिया आपने कि मैं मर चुका हूँ तो उसके बाद जो मर्जी आए हो। बड़ी अफसोस की बात है भाई।